माइसेल अभिषेक जेएस एविगेशन की तरफ से स्वागत है। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो कोई टॉपिक या थ्योरी नहीं होगी। हम लोग आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की यूपी कैटेट प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा सेट वाइज। पहले सेट में 50 क्वेश्चंस होंगे और आप लोग का यूपी कैटेट के बच्चों का एडमिट कार्ड भी निकल चुका है, तो फिर हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम में ध्यान में रखते हुए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आप लोग को बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चंस को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। यूपी कैटेट के आए हुए क्वेश्चंस से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए जली विलयन में मौजूद विलायक होता है, जली विलयन में मौजूद विलायक होता है, ठीक है, विलायक विलयन में ज्यादा मात्रा में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जली विलयन, विलयन ही क्या जो बन रहा है, जलीय घोल बन रहा है, उसमें विलायक क्या है, ज्यादातर केस में जो विलायक यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, जल यूज किया जाता है, और घोल भी हमारा कौन सा है, जली। तो देखिए कौन से ऑप्शन में जलीय भाई विलायक है, ग वाले में, तो तुरंत भाई ग वाले को टिक लगाते हुए आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ग वाले पे आप देखिएगा, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में कणों का आकार होता है, ध्यान दीजिएगा ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, तीन चीजें होती हैं। उसमें कोलाइडी विलयन का कणों का आकार जो होता है, ध्यान रखिएगा चारों ऑप्शन को, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा एक बार गौर करिए, यदि आपसे खुद से हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए वीडियो को पॉज करके सोचिए, देखिएगा दूसरा ऑप्शन 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए भाई देखिए, फास्फोरस की परमाणुकता होती है, मतलब फास्फोरस एक अणु फॉर्म करता है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो फास्फोरस जैसे सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4, इस वजह से कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों में, क वाला, ठीक है, तुरंत क वाले को टिक लगाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा आर्गन 1840, ये जो 40 लिखा हुआ है ये परमाणु भार है, 18 जो लिखा हुआ है ये परमाणु क्रमांक है, उसी तरह कैल्शियम में जो आगे लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार क्या है, 40 है, में संबंध होता है। देखिएगा जब परमाणु भार बराबर है तो परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, तो ऐसा कौन से में किस केस में संबंध होता है तत्वों के बीच में, वो संबंध होता है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को याद है तो तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, ये ऑप्शन होगा आपका, जब भार समान है उस केस में तत्वों को बोलते हैं संभारिक, तुरंत संभारिक पे भाई टिक लगाते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस है, इन चारों ऑप्शन में आपको क्रिस्टलीय ठोस क्या दिख रहा है, ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम लोग को अब कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिस्टलीय ठोस इनमें से रबर अक्रिस्टलीय है, सोना क्रिस्टलीय है, तुरंत सोने पे टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वन मोर देन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, एक ही आपको चूज करना है, तो सोना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक विलयन को बनाने के लिए 40 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन की सांद्रता, सांद्रता का फार्मूला होता है विलयन में, ध्यान रखिएगा सांद्रता निकालने के लिए आप लोग कौन सा भाई सूत्र यूज करते हैं, सांद्रता निकालने के लिए जो आप विलेय मिला रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मात्रा अपॉन विलयन का टोटल मात्रा, ठीक है। तो आप कितना मात्रा मिला रहे हो भाई, 40 ग्राम साधारण नमक को मिला रहे हो, तो 40 ग्राम तो हो गया विले जो कि आप मिला रहे हो, और उसके बाद टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, या टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना होगा भाई, 40 और 320 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 640/360। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका प्रतिशत संगठन निकालोगे तो लगभग 11.5% आएगा, तुरंत क्लिक आंसर पे टिक लगाकर ग वाले पे आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप हम लोग आते हैं, देखिएगा दही से मक्खन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दही से मक्खन बनाना है तो वाष्पीकरण नहीं, ऊर्ध्वपातन नहीं, अपकेंद्रीकरण,
छानना, इन चारों में से कौन सा सही होगा भाई? तुरंत वीडियो को पॉज करिए, एक बार सोचिए, सोचने में ज़्यादा टाइम मत लगाइए, तुरंत यहाँ पे क्लिक करिए। मुझे आंसर, मैंने इसको बनाया है, मुझे आंसर पता है, तो मैं यहाँ पे टिक लगाते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच के फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, दही से मक्खन को निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि हम लोग अपनाते हैं, तुरंत ग वाला ऑप्शन टिक लगा देंगे, ठीक? आते हैं, ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देंगे। ठोस का गैस में, मतलब गैस में आप क्या मिला रहे हो? ठोस मिला रहे हो। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा यौगिक है या कौन सा ऐसा मिश्रण है जो कि ठोस का गैस में विलयन है, ठीक है? तो देखिएगा, सोडा जल, सोडा जल भाई गैस का भाई लिक्विड में है, या गैस का द्रव वाला एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम गैस का ठोस में है, ये वाला ख वाला उदाहरण। धुआं जो है वो ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण, ठीक है? तुरंत सी वाला भाई ग वाला उदाहरण लगाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए इनमें से कौन उपधातु नहीं है? धातु और उपधातु दो आवर्त सारणी में, धातु अलग बांटा गया है, उपधातु अलग बांटा गया है, और अधातु अलग बांटा गया है। उपधातु क्या होता है? जिसमें दोनों की प्रकृति पाई जाती है, धातु और अधातु। लेकिन इनमें से देखिए कौन सा उपधातु नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, उपधातु नहीं है। सोडियम एक धातु है, जर्मेनियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, सिलिकन उपधातु है, तो सोडियम क्या है? एक धातु है। तो उपधातु नहीं है पूछा गया है, तो तुरंत क वाले ऑप्शन पे हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में, संतृप्त मतलब कि भाई ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, बड़ा खुश है, ठीक है? संतृप्त विलयन में घुलित विलय की मात्रा क्या कहलाती है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्योरली एक परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? विलेयता की परिभाषा है। तो तुरंत विलेयता पे आप ग ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11वां प्रश्न हमारा। एक कमरे में छोटे छेद के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो उपस्थित धूल और कार्बन के कण प्रकाश में दिखाई देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको, इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है? तुरंत भाई ख वाले ऑप्शन में हमने टिक लगाया, आगे बढ़े। टाइम बहुत कम लेना है, टाइम बहुत कम लेना है, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, ठीक है? कौन सा नियम विलायक की विलयता का दाब के साथ संबंध को बताता है? विलायक की विलयता तथा दाब में संबंध, ठीक है? विलयन से, चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। हेस का नियम? नहीं भैया। हेनरी का नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, कौन सा नियम भाई? हेनरी का नियम, ठीक है? चलिए भाई टिक लगाते हुए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13, मेथेन में कार्बन की संयोजकता क्या होती है, ठीक है? मेथेन पर सबसे पहले हम लोग को यौगिक का फार्मूला पता होना चाहिए, जिसका फार्मूला होता है CH4। CH4 का जब आप संरचना बनाओगे तो देखो, चार हाइड्रोजन इससे चिपके रहते हैं। इसका मतलब भैया, कार्बन कहता है कि हम सिर्फ चार हाइड्रोजन से यौगिक बनाएंगे, क्योंकि हमारी संयोजकता कितनी होती है? चार। तो कौन से ऑप्शन में चार लिखा हुआ है? ग वाले में। तुरंत आप ग वाले पे टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक? देखिए, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होती है? बोरबरी के नियमानुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेंगे? विन्यास करेंगे। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 15। आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 5, मतलब कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है? 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? तुरंत कॉपी टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो रदरफोर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, ना? और रदरफोर्ड ने अल्फा कण वाले प्रक्रिया से किसका खोज किया? रिजल्ट सबको याद होना चाहिए। देखिए, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नहीं भैया, कौन सा केंद्रक का पता लगाया था? तुरंत क पे आगे लगा के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी के नियम अनुसार गैसों के दाब के बढ़ाने से बढ़ता है क्या? दाब के बढ़ाने से क्या बढ़ता है? हेनरी का नियम क्या होता है भाई? हेनरी के नियमानुसार दाब KHP बराबर क्या होता है? KH × X होता है भाई। देखिए, दाब आप बढ़ा रहे हो, गैसों के दाब बढ़ाने से उनका जो मोल प्रभाव से ये संबंध है कि उनकी विलयता बढ़ती है। जो आप अलग से मिला रहे हो ना विलय, उनकी विलयता बढ़ाने के लिए हम क्या बढ़ाते हैं? दाब बढ़ाते हैं। उसी का संबंध क से है। तुरंत क वाले पे टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा
पानी में कैल्शियम ऑक्साइड की विलयता, मतलब आप पानी में जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड चूने को मिलाते हो तो उष्मा मुक्त होती है, मतलब उष्मा निकलती है, वहाँ पे उष्मा देनी नहीं होती। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, उष्मा छेपी, उष्मा सोसी, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? भाई उष्मा निकल रही है तो कौन सा होगा, उष्मा छेपी, मतलब उष्मा निकल रही है। तुरंत क पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। भूमि में नाइट्रोजन का उदाहरण है, ठीक है, भूमि में नाइट्रोजन ना, जमीन की, जमीन में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से जब जमीन में नाइट्रोजन मिल जाता है, वो कौन सा उदाहरण है भाई, विलयन है कि संतृप्त है कि असंतृप्त है? कोलाइडी विलयन है, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा ये है कोलाइडी विलयन। तुरंत घवाले पे टिक लगा के आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एल्कोहल होता है क्या, एल्कोहल क्या एल्कोहल के ऊपर कोई चार्ज होता है? नहीं, एल्कोहल जब भी आप देखोगे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मान लो जैसे मैं एथेनॉल का यहाँ पे उदाहरण लूँ, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं चार्ज है। तो कौन सा ये होगा तीनों ऑप्शन में? उदासीन। क्या होगा भाई? उदासीन। गवाले पे टिक लगा के नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एसिटिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है भाई? जब बार बार आप एसिटिलीन को रिपीट करोगे तो सबसे ज्यादा प्राप्त होने वाला जो कंपाउंड है, जो मिलता है, वो क्या मिलता है आपको? साबुन, ठीक है। साबुन को पाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का क्या करेंगे? बहुलीकरण करेंगे, ठीक है। तेल या वसा के क्षारीय अपघटन से प्राप्त होता है, तेल या वसा के क्षारीय अपघटन से प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। आप भी जब भी तेल या वसा के क्षारीय अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? बेंजीन, साबुन, एथेन और एल्कोहल, इनमें से क्या होगा भाई प्राप्त होगा? देखिएगा ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, परिभाषा बेस्ड, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका साबुन यूज होता है, या तेल या वसा के क्षारीय अपघटन कराने से हमें क्या मिलता है? साबुन। तुरंत ख वाले ऑप्शन पे टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। सिरका, सिरका तो सब लोग जानते होंगे, टेस्ट किए होंगे। सिरका एक, सिरका में अम्ल है, सिरका एक मतलब स्वाद, जैसे ही टेस्ट लेते हैं हमको पता चलता है खट्टा है, खट्टा जो चीज़ है वो उसको हम लोग अम्ल कहते हैं, बचपन से पढ़ा है परिभाषा। तो बताइए सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? ना बाबा ना, ये तो बड़ा जला देगा जीभ को। नाइट्रिक अम्ल नहीं, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा एसिड होगा भाई? कौन सा एसिड होगा? ग, एसिटिक अम्ल होता है। तुरंत भाई ग वाले पे टिक लगा के आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भाई 23, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? रिएक्शन करवा के भाई आप एक बार देख लो, CO2, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है भाई कार्बोनिक एसिड। याद करना है भाई, याद करना है। तो कौन सा ऑप्शन है? घ वाला। तुरंत घ वाले पे टिक लगा के आगे बढ़ते हैं अपन। सल्फ्यूरिक अम्ल तांबे से क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल तांबे से क्रिया करके क्या बनाता है भाई? याद रखिएगा, तांबे से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, कोई सेंस ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, तांबे से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तुरंत आप ग वाले ऑप्शन पे टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, अस्थियों और दांतों में होता है, अस्थियों और दांतों में क्या होता है भाई? सब लोग कहते हैं ना कि अस्थियों में भाई कैल्शियम मौजूद होता है, तो भाई उसी का ध्यान रखते हुए चारों ऑप्शन में से आप टिक लगाइए कौन सा ऑप्शन होगा। तुरंत वीडियो को पॉज करके टिक लगाइए, हम आगे बढ़ते हैं बी वाले ऑप्शन पे टिक लगाते हुए, ठीक है। चलिए बी वाले पे, ख वाले पे हम लोग ऑप्शन पे टिक लगा। अमोनिया की खोज किसने की थी? अमोनिया की खोज डाल्टन ने नहीं, लवाइजियर ने नहीं, प्राउस्ट या प्रोस्टले में से किसने की थी? थोड़ा देखिएगा। तो भाई प्राउस्ट या प्रोस्टले में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों का जो पहला शब्द है वो पहले स्टार्ट हो रहा है सेम। याद रखिएगा प्रोस्टले, किससे? प्रोस्टले से, प्रोस्टले ने की थी अमोनिया की खोज, ठीक है। घ ऑप्शन पे टिक लगाते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने पे प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला याद होना चाहिए, CaC2 होता है ना, आप उसमें क्या प्रवाहित करने जा रहे हो? नाइट्रोजन। तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो होता है CaCN2 ये, और इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो है नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी है नहीं, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं है, तो क्या होगा? नाइट्रोलियम, इसका नाम होता है नाइट्रोलियम। तुरंत हवाले ऑप्शन पे टिक लगा के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई हम लोग 29वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संरचना भाई ऐसे बनता है, हर कोनों पे कार्बन और अल्टरनेट क्या होता है? डबल बॉन्ड भी होता है।
तो ठीक है भाई, बेंजीन तो हमें दिख गया, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको जज करके, और रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद करना होता है रिएक्शंस को, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनता। देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है, बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप आके अटैच हो जाता है जिसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा बनेगा भाई, नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन के ऊपर नाइट्रो, तो नाइट्रो बेंजीन। ग वाले पे टिक लगाते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका जो होता है जनरली, ठीक है, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हाइड्रोजन का भाई संयोजकता क्या होता है, दो धन एक, मतलब दो है एक होता है संयोजकता, दो हाइड्रोजन है तो दो गुणे एक होगा। सल्फर का हम लोग को निकालना है तो उसका क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है ऋण दो, तो चार ऑक्सीजन है गुणे चार बराबर क्या कर देते हैं इसको, जीरो। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा भाई, सिक्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ग वाले पे टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है 31, ठीक है। कह रहा है परमाणु का कौन सा कण उदासीन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे भाई आवेश होता है, प्रोटॉन पे भी आवेश होता है, किस पे आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे। तुरंत ख पे टिक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस में लहसुन जैसी विषैली गैस होती है, क्या होती है? फास्फोरस में लहसुन जैसी गैस क्या होती है, ठीक है। तो जो फास्फोरस में लहसुन जैसी गैस, देखिए भाई इस पे टिक मत लगा देना कंफ्यूजन में, फास्फोरस में लहसुन जैसी विषैली गैस जो होती है उसको कहते हैं फॉस्फीन, ठीक है। तो फॉस्फीन पे टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट गैस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, मार्स गैस किसको कहते हैं? मार्स गैस के नाम से जाने जाने वाला मीथेन गैस होता है, तो कौन सा ऑप्शन मीथेन है, घ। टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, नॉट एसिटिलीन, ये क्या है, एथिलीन है। एथिलीन का आप जब बहुलीकरण करते हैं बार बार एथिलीन को, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है, एथिलीन। बार बार आप इसका जब बहुलीकरण करते हैं ना, एन टाइम्स, ढेरों टाइम्स, तो आपके बहुलक मिलता है। उस बहुलक का नाम क्या होता है, इन चार ऑप्शन में क्या है भाई, क्या है भाई, वीडियो को पॉज करके जज करो, ग पॉलीथीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम पता होना चाहिए भाई, कैसे निकालते हैं एसिटिक अम्ल भाई। तुरंत आप एसिटिक अम्ल जैसे ही IUPAC नेम लिखने के लिए आए, देखिए CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे, देखिए सॉरी कार्बन की संख्या कितनी है, दो है। तो भाई मेथ के बाद क्या आता है, एथ, और यहाँ पे जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है तो हम लोग ओइक अम्ल सफिक्स जोड़ते हैं लास्ट में, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, एथेनोइक अम्ल। ग वाले पे टिक तुरंत लगा के आप आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कशिश तेल के नाम से जाना जाता है, देखिए भाई कशिश तेल काफी इंटरेस्टिंग नाम है, ठीक है, तो आप इजिली आप इसको लर्न कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी वाइज। कशिश तेल के नाम से जाना जाता है नाइट्रिक अम्ल को, ठीक है। तुरंत क वाले ऑप्शन पे टिक लगा के आप आगे बढ़ेंगे। चलिए सोडियम अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है भाई, सोडियम और अमोनिया लिख लो आप तुरंत, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया तो फॉर्म करेगा नहीं, अमोनिया तो खुद ही रिएक्ट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको कहीं पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप दिख रहा है या वाटर वाटर दिख रहा है, नहीं। सोडायमाइड, या सोडायमाइड बन सकता है, NaNH2। सोडायमाइड का भाई फार्मूला होता है, सोडियम क्लोराइड बनने के कोई चांसेस ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ग। ग पे तुरंत टिक लगा के आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ऐसे इनमें से ऐसा तत्व जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम फास्फोरस, ऐसे इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, ठोस द्रव और गैस में। तो देखिए इन तीनों चारों ऑप्शन में घ फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है क्या भाई, जिसमें तीन OH ग्रुप हों, तीन OH समूह आपको दिख जाए उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और कौन सा ऐसा चारों ऑप्शनों में यौगिक है जिसमें तीन एल्कोहल के ग्रुप होते हैं, वो है हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला आप लोग जानते हैं CH2OH CHOH
और फिर CH2OH, तो आपको दिख रहा है तीन OH ग्रुप लगातार कंटिन्यूसली, तो ये हो गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एसीटोन का IUPAC नेम है, ठीक है, एसीटोन का IUPAC नेम है, क्वेश्चन नंबर 40 है भाई, ध्यान दीजिएगा। एसीटोन का फार्मूला कैसे है भाई, देखो एसीटोन का फार्मूला यह है CH3 डबल बॉन्ड C और यह है CH3, ठीक है। अब बताइए, अब इसका IUPAC नेम निकालना होता है, तो सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, तीन है, मेथ एथ प्रोप, प्रोप आ तो रहा है लेकिन कीटोन समूह जैसे दिखता है हमें, जैसे ही सी डबल बॉन्ड ओ दिखता है कीटोन समूह, तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि भाई प्रोप तो है ही, और सफिक्स जो यहाँ पे यूज होता है कीटोन के केस में ये होता है ओन, तो प्रोप प्लस ओन क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में, प्रोपे नोन, तुरंत ग वाले ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम कक्षा पूर्ण होती है, इन चारों में से किसकी अंतिम कक्षा पूर्ण होती है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान, धातुओं की नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और यहाँ पे आप धातुओं की जगह अधातु कर लीजिएगा, ठीक है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ पे ख पे आप अ लगा लीजिएगा, ठीक है, अधातु। उपधातु नहीं भाई, ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं। अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों का अंतिम कक्षा पूर्ण होता है जिसकी वजह से वो स्थायी होते हैं, तुरंत घ वाले ऑप्शन में टिक लगा के आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम नाइट्राइट और नौसादर को गर्म करने पे प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्राइट फार्मूला क्या है भाई, NaNO2, और नौसादर क्या है, NH4Cl, इन दोनों का आप रिएक्शन करवाओगे ना, तो ध्यान दीजिएगा रिएक्शन करवाने पे इन चार ऑप्शन में से वो गैस आपको टिक लगानी है जो इसमें निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे निकलने वाली गैस जो होगी प्योरली थ्योरेटिकल है, नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन गैस, तुरंत आप उस पर टिक लगाते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 43 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, जल में अति विलेय गैस है, जल में सबसे ज्यादा विलेय इन चारों ऑप्शन में से कौन सी गैस होगी। देखिए ऑक्सीजन होती है विलेय, अमोनिया भी होती है विलेय, ठीक है। अब भाई फाइट होगा कि इन चारों गैस में से सबसे ज्यादा विलेय कौन है, तो ध्यान रखिएगा अमोनिया सबसे ज्यादा विलेय होती है, ख पे तुरंत टिक लगा दीजिएगा और आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर भाई 44 पे हम आगे बढ़ते हैं। जंतु एवं पेड़ पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, जंतु एवं पेड़ पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, नाइट्रोजन का काम या फिक्सेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, किसके भाई, नाइट्रोजन जब भी किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं में होता है वो किस माध्यम में होता है, चारों ऑप्शन में बताइए बताइए बताइए, प्रोटीन, प्रोटीन के माध्यम में होता है भाई, प्रोटीन ध्यान रखिएगा आप, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार में बताया था भाई, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार निकालने का क्या होता है भाई, परमाणु भार, परमाणु भार बटे संयोजकता करते थे, ठीक है, संयोजकता करते थे भाई हम लोग तुल्यांकी भार निकालने के लिए। एसिटिक अम्ल का परमाणु भार निकालेंगे, एसिटिक अम्ल का परमाणु भार, आप एसिटिक अम्ल का पहले तो फार्मूला आज आपको याद होना चाहिए, 12+3+12+32+1 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या, एग्जैक्टली 60 आएगा इसका एटॉमिक वेट परमाणु भार, और 60 में आप इसकी संयोजकता कितनी हो, इसकी संयोजकता कितनी होती है एसिटिक अम्ल की, एक होती है, 60 में जैसे ही आप एक से भाग करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, इस ऑप्शन में 60 वाला ऑप्शन कौन है, ग, तुरंत ग वाले पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल जल में घुल कर देते हैं क्या, अम्ल जैसे ही जल में घुलते हैं क्या कर देते हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं कि हाइड्रोजन आयन निकालते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। ऐसे अम्ल की आरहेनियस के नियमानुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती थी, जब भी किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो वो अपने क्या निकलता है भाई, हाइड्रोजन आयन इजिली क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा इनमें, इनमें 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 ख वाला। चलिए भाई तुरंत 47 परमाणु भार तथा संयोजकता का अनुपात क्या कहलाता है, ठीक है, अभी एसिटिक अम्ल का हमने क्वेश्चन किया था कि जैसे ही परमाणु भार बटे संयोजकता करते हैं, मतलब डिवाइड करना ही तो एक अनुपात है, जैसे ही हम लोग अनुपात निकालते हैं किसके बराबर आ जाता है, तुल्यांकी भार के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इनमें से किस तत्व की संयोजकता एक होती है? ठीक है, जो पहले वर्ग के होते हैं उनकी संयोजकता एक होती है, दूसरे वर्ग के होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है? दो होती है। लेकिन जब 17वें वाले ग्रुप में जाते हैं ना, उनकी भी संयोजकता क्या होती है? एक होती है, लेकिन वहां पे वो ऋणायन फॉर्म करते हैं। पक्की बात? तो देखिए, मैग्नीशियम की संयोजकता भाई दो होती है, इसका तो होगा नहीं। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है ऋण दो, इसका भी नहीं होगा। नियॉन अक्रिय गैस है, तो फ्लोरीन क्या होता है? इसकी संयोजकता क्या होती है? ऋण एक होती है। इस वजह से इसकी संयोजकता को एक कह दिया गया। तुरंत आप घ वाले ऑप्शन पे टिक लगा दीजिएगा, फ्लोरीन पे। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, इनमें से किस यौगिक का परमाणु भार तुल्यांकी भार के बराबर होता है? भाई जिसकी जब तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बटे संयोजकता। पूछा है क्वेश्चन में, तुरंत आप फार्मूला लिख लिया करिए भाई। तुल्यांकी भार परमाणु भार के बराबर कब होगा? जब संयोजकता एक हो। जब तभी ना परमाणु भार में एक से भाग देने पे तुल्यांकी भार परमाणु भार बराबर हो जाएंगे। तो बताइए इन यौगिकों में से जो भी चारों ऑप्शन में दिए हैं, आपको बस ये चेक करना है कि इनमें किसकी संयोजकता कितनी है। कैल्शियम की संयोजकता, अरे भाई कैल्शियम की संयोजकता तो दो होती है। अरे सोडियम में सोडियम की संयोजकता यहाँ पे क्या होती है? एक होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4, अरे यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है? यहाँ पे अब सल्फ्यूरिक अम्ल की टोटल संयोजकता निकालोगे तो दो आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? दो। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? दो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तुरंत आप ख वाले ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, ख। इनमें से कौन सा सूचक संश्लेषित नहीं है? कौन सा सूचक संश्लेषित, मतलब कि मानव द्वारा प्रयोगशाला में न बनाया हुआ, जो भी सूचक हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बनाते हैं उनको संश्लेषित कहते हैं। और इनमें ये चेक करना है कि कौन सा संश्लेषित नहीं है। तो देखिए फिनोप्थलीन मिथाइल ऑरेंज ये क्या है? संश्लेषित है। लिटमस ये ऐसा एक पेपर होता है जो कि संश्लेषित नहीं होता। तुरंत क वाले पे टिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए भाई, ये हो गया।